तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ, और अभी हम चल पड़े हैं पंचकुला से शिमला की ओर, मतलब हसीन पहाड़ियों की तरफ, और आपको पहाड़ों का सफर एंजॉय कराते हैं और पहुंचते हैं शिमला। कहेंगी माड़ा तू कल चौथे दिन होंगी पहाड़ा वालू फिकर मन के शामी पी लेने जादू मर्जी देख ली यारां दे आ यार शुरू तो नाल बैण तिन चार शुरू तो गेड़े शामी जिम सवेरे टायर जीपां दे बार शुरू तो। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश हो गया जी, अब आगे टैक्स देना पड़ेगा। एक अच्छा सा पॉइंट देखा, आई लव हिमाचल। शिमला रूट पे तगड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, देखो कितनी सारी मिल रही है। हम पहुंच चुके हैं धर्मपुर और ये रहा ज्ञानी जी का ढाबा। हाँ भाई, खीर खाओगे? पहले खाओगे बाद में खाओगे? जैसे बोलो, जैसे मन है बोलो। वापसी खाएंगे, अभी नाश्ता किया है, वापसी हम खीर खाएंगे यहाँ पे, अभी भूख नहीं है। और ज्ञानी का ढाबा ना फुल फेमस है खीर के लिए, काफी फिल्म स्टार यहाँ पे आते हैं जब भी, तो यहाँ खीर खा के जाते हैं। शाहरुख खान तो ऑलवेज जाता है, और शाहरुख की तो फोटो भी यहाँ लगी हुई है खूब सारी वाली। और ये लेफ्ट रास्ता जो है यहाँ से कसौली कट जाता है। धर्मपुर रेलवे स्टेशन, अगर रेल अभी हमें दिखेगी ना तो आपको भी दिखाएंगे। हम मॉर्निंग टाइमिंग पे है तो मे बी हमें रेल दिखे, और ये रेल ना देखने वाली है, टॉय ट्रेन है पूरी, और बहुत औसम सफर होता है इसका। हमने किया नहीं बट सुना है 5-6 घंटे लगते हैं, पर मजा आता है। बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, मतलब हमारी गाड़ी भी धीरे चल रही है इस वजह से, और रास्ते में ना जगह जगह ऐसे पैचेस आ रहे हैं जहाँ पे खूब पत्थर गिरे हुए हैं और रोड क्लोज्ड है। अभी कुछ आपको दिखाऊंगा अभी। और जो रोड है ना बिल्कुल A1 बन गई है, 4 लेन है भैया। मतलब हम अभी समझ लो जब वहाँ से चले हैं पंचकुला से और यहाँ तक पूरी 4 लेन है, और यहाँ पे भी डाइवर्जन हुआ हुआ है, आगे हो सकता है लैंड स्लाइडिंग हुई हो तो। और सोलन है अभी 13 किलोमीटर, शिमला 60 किलोमीटर। तो भाई ये देखो, इसको कहते हैं पहाड़ों की सीनरी। आज सिर्फ व्यू एंजॉय करो मजेदार वाले। पहाड़ों पे रोड कैसे बनाई जाती है ना, ये पूरा पार्क बनाया उसके लिए, देखो डेवलप। अंदर पूरा पार्क है, कैसे पुल भी बनाया है कि ऐसे हम बनाते हैं काम करते हैं। ये देखो जी कितनी प्यारी चीज बनाई है, NHAI की तरफ से बन पा रही है। तो हम पहुंच गए हैं सोलन शहर। सोलन शहर की ना एक बात बताता हूँ, यहाँ पे पता नहीं अब मिलता है नहीं मिलता, थोड़ा सा आगे जाओ सोलन से तो यहाँ पे चिकन और मटन का जो अचार मिलता है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत स्वाद होता है। गाने सिद्धू मूसे वाले दे लिखे हुए बोलियो से कब्बे जट दे आंटियां ने। देखो कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, देखो कितनी तगड़ी लैंडस्लाइडिंग है, पूरी रोड ही बंद है और कैसे गिरा हुआ है पहाड़। ओ भाई तो भैया पुल का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और ये जो सिंगल रोड है ये भी डबल हो जाएगी फिर। वाइल्ड लाइफ हिमाचल प्रदेश, आप भी कहोगे कि रोज कहीं ना कहीं घूमने निकल आता है भाई, ऐसा ही है, कहीं ना कहीं घूमते रहना चाहिए, काम भी करो काम के साथ घूमो भी। अभी काम था शिमला में तो हम घूमने भी आ गए और काम भी कर लिया, और अभी आने वाले दिनों पे अपन फिर से काम श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर में आपको डेट बताऊंगा कौन सी डेट को जा रहे हैं। श्रीनगर में फिर जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि 1 या 2 दिन श्रीनगर में रुके भी, फिर इंजॉय मारेंगे फिर वापस आ जाएंगे। बस यही चलता रहेगा लाइफ में, सिर्फ फन और इन्जॉय। तो बस शिमला रह गया, यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर शिमला पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिला तो टाइम मिलने के बाद अपन घूमेंगे माल रोड, अगर नहीं मिला तो भैया फिर वापस दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि आज रात को दिल्ली पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो समय के अनुसार चलना पड़ेगा। शिमला में आपका स्वागत है, शिमला का सिंह सभा गुरुद्वारा। तो हम पहुंच चुके हैं होटल में, तो यहाँ पे लंच करेंगे और लंच करने के बाद अपनी मीटिंग करेंगे स्टार्ट। हम पहुंचे हैं होटल मरीना।
रब कहिंदा थोड़ी देर होर ठहर जा। मीटिंग ओवर हुई है और अब यहाँ से निकले हैं और पहुंच रहे हैं माल रोड की तरफ, क्योंकि अमित कह रहा है यार अगर शिमला आए हैं माल रोड गए नहीं तो मजा नहीं आएगा, तो पार्किंग पे गाड़ी लगाएंगे, माल रोड जाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे और निकलते निकलते शायद 6:30-7 बज जाएंगे, क्योंकि 4 तो बज ही चुके हैं, 1.5 घंटा तो माल रोड में भी लगेगा। चलो लिफ्ट आ गई है, चलते हैं भाई। जिस पॉइंट पे ना क्या कहते हैं अपनी मीटिंग थी उस होटल से बाहर निकल गया तो बाहर बहुत प्यारा सा वाटरफॉल आ रहा है, तो वो दिखाते हैं आपको। ये क्या मस्त वाटरफॉल आ रहा है आप देखो, ब्यूटीफुल ऑसम है भाई, ब्यूटीफुल व्यू है भाई यहाँ का, तो मस्त। चला जाए अब कहाँ पे, घर पे माल रोड। अरे यार इसने बहुत तंग किया, गाड़ी जाएगी नहीं, गाड़ी की चाबी रास्ते में निकाल के फेंक देनी है। बहुत तंग किया भाई इसने, बहुत तंग किया यार। शिमला दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर आए हैं, 350 किलोमीटर, और माल रोड ना घूमे शिमला का, काम पे आए हैं भाई, काम करना, काम हो गया, अब माल रोड 1 घंटा घूम के दिल्ली से गो टू दिल्ली। बहुत एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है, जो मीटिंग करी थी वो डन हो गई। मीटिंग का रिजल्ट ये आया कि हमारी यहीं से टिकट्स बुक हो गई और हम 6 तारीख को दोनों जा रहे हैं श्रीनगर जा रहे हैं, और 6 से लेकर 8 तक हम फिर से श्रीनगर हैं, और बीच में अगर टाइम मिल गया तो सोनमर्ग घुमाएंगे, नहीं तो मीटिंग करके फिर वापस आ जाएंगे। नहीं सोनमर्ग घूमेंगे, टिकट भाई मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग का दौर है, तो मीटिंग नहीं आएंगे दिल्ली, मीटिंग का दौर है, मीटिंग करनी पड़ती है, क्या करें, विदाउट सोनमर्ग दिल्ली वापस नहीं आएंगे, भले टिकट एक्सचेंज करानी पड़े। ओ भाई ये भी है क्या बात। गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में और अब निकले हैं, जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट से जाएंगे। ओके चारी बिक रही है मस्त वाली, वापसी खरीदेंगे भाई। लिफ्ट की टिकट लेके आना आगे से, वो खोले से। हाँ रात को जब लिफ्ट बंद हो जाती है ना, पता क्या होता है, ये होटल देख रहे हो, इसकी लिफ्ट यूज करके नीचे आ जाते हैं हम लोग। पहले लेंगे लिफ्ट की टिकट और फिर चलेंगे ऊपर माल रोड की तरफ। भाई लिफ्ट की टिकट में भी लाइन होती है, लिफ्ट में चढ़ने पर भी लाइन होती है, पहले आधी लिफ्ट फिर ऊपर जाके आधी लिफ्ट। वो तो लगी है, लगो लाइन पे या मंगाए किसी को बेच के मंगवाते हैं भाई, वीआईपी कल्चर नहीं लेना भाई, गलत हो जाएगा। ये लगी है टिकट की लाइन, मैंने अमित भाई को लगा दिया, और इधर लगी है लिफ्ट पे जाने की लाइन। लिफ्ट में से झुंड बाहर निकला है अब ये वाला झुंड घुसेगा, हमारी बारी आएगी बाद में, हम भी हैं हमारी बात में, इस बार में आ जाएगी, नहीं नहीं हम इस बार में जाएंगे ना, हम अकेले जाते हैं भाई। पहले लिफ्ट पकड़ ली थी, अब दूसरी लिफ्ट पकड़ेंगे और ये खुलेगी सीधा माल रोड के अंदर। लो जी भाई यहाँ तो बहुत सारे यूट्यूबर मिल रहे हैं, ये मिल गया, वो मिल गया, सारे यूट्यूबर हैं भाई, माल रोड में आ गए हैं भाई, माल रोड में आ गए हैं। शेर पंजाब में रोटी खाओगे, लंच नहीं करेंगे, लंच लीड का 6 बजे हो रहा है, लंच क्या करें, मीटिंग में बिजी था, लंच कर नहीं पाए भाई। कोट बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ये सोच रहा हूँ प्रबनूर के लिए ले लूँ, अभी वापसी में डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आ गए ना, और मेरी वजह से आया है, उसको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, तुम्हें बंदर मिलने आया है ना वहाँ पे, बंदर आपको देख के आया, देखो मिलोगे, कैमरा लेके भाग जाते हैं, हाँ दे दो, गिवन मोर दे अपने रिकॉर्ड सारे आप ही मैं तोड़ता है G63। भाई कान साफ कराओगे? नहीं भाई साहब, करा लो, तुम्हारे कान बहुत गंदे होंगे, जल्दी से नहीं कराना है, करा लो यार किस, तुम्हारे तो ढके रहते हैं ना, तो ढके रहते तभी तो साफ है, तुम्हारी गंदगी दिखाई नहीं दे रही, मेरे तो भी साफ है भाई, चढ़ाई बहुत है, चढ़ जाऊंगा, ये मोटा आदमी है, इसकी सांस फूल जाएगी। अरे जाओ रेस लगा लो भाई। शिमला के ना जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट पे आ गए हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वो रहा पॉइंट, ये चर्च, और यहाँ पे वो जो पिक्चर थी ना 3 इडियट्स, उसकी शूटिंग हुई थी इस पॉइंट पे। अभी हम जो लोकेशन दिखाएंगे आपको ना माल रोड की, वो एक पिक्चर आई थी बॉबी देओल की बादल, उसमें ये पूरा उसका मतलब ऑफिस एरिया और वो दिखाया है, मतलब उस पिक्चर में इस रोड को सुंदर नगर दिखाया है, समझे। अभी आपको यहाँ का जो 5 गेट स्टेशन है ना हेरिटेज वाला, वो भी दिखाते हैं, मेला बुक्स का, उधर खाने पीने का। तो यहाँ से जो व्यू आएगा ना, वो व्यू आपको दिखाते हैं जरा वीडियो में। ओ भाई मेरे, गजब का व्यू है। और ये रहा राष्ट्रीय पुस्तक
मेला, और ये पूरा जो हेरिटेज बिल्डिंग है एग्जैक्ट, जो बेसिकली होता है ना कि यहाँ पे बच्चों के साथ आओ ना तो एक आनंद अलग रहता है, अकेले आओ तो आनंद अलग रहता है। तो बीच में अगर एक दो दिन कहीं छुट्टी मिली ना तो बच्चों को लेके शिमला भी आ जाएंगे, घूमना ही तो होता है, कहीं भी घूम लो। शिमला दिल्ली से वैसे बहुत नज़दीक हो गया, चंडीगढ़ 4 घंटे 3 घंटे आगे, 7 घंटे में आदमी शिमला पहुँच जाता है। और आके माल रोड में मस्त सा होटल रहो, या जिस होटल को भी हमारी मीटिंग थी ना, वो पता नहीं क्या नाम था, मरीना, मरीना बुटीक, उस होटल पर व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ रहो, वहीं पर रह के भी मज़ा आ जाएगा। मतलब कहते हैं ना अल्टीमेट है, और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडे वाला, मतलब मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है, खूब इंजॉय। देखो बादल ही बादल भाई, शिमला, ये है हेरिटेज बिल्डिंग की फ्रंट साइड, और यहाँ कहीं पे होती थी बॉबी देओल की ना जो दुकान होती थी, वो यहाँ कहीं होती थी उस समय में पिक्चर में, और इसको सुंदर नगर दिखाया हुआ था। भाई हड़ताल पे बैठ गया, कह रहा मैं जाऊँगा ही नहीं शिमला छोड़ के, मैं राजी हूँ ना जाओ, बोलो चलोगे? तो भाई ऊपर से पूरा घूम के आए, अब शेरे पंजाब पे जा रहे थे खाना खाने, ट्विस्ट हो गया। वो ट्विस्ट क्या हुआ, अभी हम पहले लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, फिर बताएंगे कि क्या हुआ, हम शेरे पंजाब पे खाना खाने क्यों नहीं गए। ये हो रहा है मस्त जिंदगी का एंजॉय, बालकनी में बैठ के व्यू। हम लोग वापस नीचे आ गए, लिफ्ट से नीचे क्यों आए हैं, हमारे एक बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर है जसप्रीत जी, उनका मुझे इंस्टा पे कॉल आया और कह रहे हैं कि आप हमें मिलने आओ हमारे होटल में। अरे उनको उनके होटल पे मिलने, वो कह रहे हैं नाइट स्टे करो, मैं कह यार नाइट तो स्टे नहीं करेंगे, पर मौसम के हिसाब से हो सकता है नाइट स्टे करना भी पड़ जाए और हो सकता है ना करना पड़े। और वो कह रहे हैं आपने नाइट स्टे नहीं करनी तो खाना तो मेरे होटल पे खा के जाओ। हम शेरे पंजाब में घुस रहे थे, कह रहे नहीं खाना मेरे होटल पे खाओ, मैं आपको शेरे पंजाब से बढ़िया चिकन खिलाऊंगा। मैं कहा चलो भाई हम आपके पास आ रहे हैं, जब सब्सक्राइबर प्यार से बुलाए ना तो हम खुद चल के चला जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती यार, सब भाई हैं हमारे, हमारी फैमिली है। तो फटाफट वापस हम उनके पास जा रहे हैं। एग्जिट कहाँ से, इधर से गाड़ी निकलवा दे, अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं अब, हम एग्जिट मारेंगे। तो भाई वो जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर जसप्रीत जी, और पीछे पीछे हम ये मज़ेदार एडवेंचरस रस्ते में। और अमित जी की धुआं टाइट हो रहा है, क्यों हो रहा है बताता हूँ, अभी हमारी मीटर पे नजर गई है, वो बत्ती ब्लिंक करती जा रही है, क्या होगा मैं खत्म होगा तो कोई बात नहीं, गाड़ी चलती जाएगी, अपने आप डलाने कहीं पे जा रुक जाएगी, वहां रुक देंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं, चिंता नहीं करने का, चिंता चिता समान है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं उनके पीछे पीछे। तो हम पहुंच गए न्यू दावत कॉर्नर पे खाना खाने के लिए। तो ये जसप्रीत जी मिले हैं, मैंने आपको बताया ना इन्होंने मुझे शेरे पंजाब में जाने नहीं दिया, मुझे पकड़ लिया, कह रहे हैं कि आप आ जाओ हम लोग खाना साथ खाते हैं। तो अब मैं इनके पास पहुंचा हूं, खाना खा रहा हूं, और 6:30 बज चुके हैं, अब निकलते निकलते मुझे 8 बजेंगे, और कब पहुंचूंगा दिल्ली कुछ पता नहीं है, और क्या पता अभी मैं एक फ़ोन करूंगा अगर प्लान चेंज हुआ तो रात को हो सकता है रुक भी जाऊँ। तो इनका होटल है, इन्हीं के होटल में रुकेंगे आज, पक्की बात। ये लो मैंने दिखाओ ना, सत श्री अकाल जी, हम आपके पास आए हैं, आप गायब हो, ये मिलने आए थे, आपको ढूंढने गए थे, ऊपर हमने स्टोरी डाली थी आपको आना चाहिए था, चर्च के बाहर खड़े थे, मैंने इनको फोटो भेजी थी, मैं गई थी उतनी देर को, ये कहते वो तो वापस भी आ गए नीचे। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं, आप आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पक्का। हेलो बेटा, आप पहचानो मैं कौन हूँ? सब वधिया जी, फर्स्ट क्लास, ऑल वेल। आज इन्होंने सानू फड़ लेता, तो चलो अगली बार आवांगे, पक्का थोड़े कोल रवांगे जी, डन, डन, ठीक है जी, ओके जी। मस्त बटर चिकन जसमीत जी ने खिलाया, पहले खिलाया तंदूरी चिकन, अब खिला रहे हैं बटर चिकन, मतलब शिमला में आके ना इन्होंने मस्त स्वाद डाल दिया, और अब शिमला आके हमारी आदत भी बिगाड़ दी है, हम जब शिमला आएंगे इनको कॉल करेंगे, नंबर इनका ले लिया है, सीधा कॉल करेंगे, इन्हीं के पास आ जाएंगे, मंजूर है ना, मोस्ट वेलकम, तंग ना हो जाओ, तंग तो हम होते ही नहीं है ना, पंजाबी कभी तंग हुए हैं, तो जसप्रीत जी ने हमें ना बहुत अच्छा डिनर कराया, आप पीछे देख रहे हो दिन है, पर डिनर करा दिया शाम के 7:30 बजने वाले, 7:30 बज गए, टाइम हो गया, टाइम तो खाया बहुत कुछ है, अब हम गाड़ी रोकेंगे सीधा दिल्ली, कोशिश रहेगी कि दिल्ली रोकेंगे, बाकी पता नहीं है, डिपेंड ऑन ट्रैफिक एंड जो माहौल होगा।
थैंक यू जी, बहुत 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 प्यार दिया आपने, शिमला में मजा आ गया, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बिल्कुल पक्का। तो बस यार भाई को अभी छोड़ा है जसप्रीत को, और अभी निकल गए हम लोग, टाइम हो गया 7:30, अब पता नहीं कब दिल्ली पहुंचेंगे या रात को पंचकुला स्टे करेंगे, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से निकल गए शिमला से और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कह रहे ना मस्त वादी होगी। देखो कैसे नीचे आए हुए हैं, देखो क्या व्यू है, ये देखो बादल जा रहे हैं, बादल है भाई, फॉग है, बादलों का व्यू देखो भाई, मजा आ गया। मैं इस बंदे को कह रहा हूँ यहाँ पे रुक जा रुक जा रुक जा, रात रुक जा, बंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर ली है, रुक के राजी नहीं है, रुक जाऊँ गाड़ी घुमाऊँ वापिस। हाँ जी वर्मा जी, अनुपम जी बोलो, रुके फिर काम लेट नहीं करना बाकी तो चलेगा। ये मौसम तो अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं ना, परसों तब भी नहीं मिलेगा। तो टाइम हो गया 10:04, अम्बाला की दूरी रह गई है सिर्फ 25 किलोमीटर, मतलब हमने आज हाई स्पीड में गाड़ी चला दी, और जो टेंटेटिव दिख रहा है 1:15 बजे तक हम रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे पहुंचेंगे, इन भाई साहब की गाड़ी वहां खड़ी है, ये गाड़ी उठाएंगे, ये घर जाएंगे और हम वहां से घर जाएंगे, और इन द मीन टाइम शायद बीच में हम लोग अम्बाला जग्गी में रुकेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा मूड हो रहा है आइसक्रीम खाने का, इनको खिलाऊंगा आइसक्रीम और मैं खाऊंगा वो धुएं वाला बिस्किट, मस्त मजा आ जाएगा। आज आपने खाना धुएं वाला बिस्किट? नहीं वैसे हमने ट्राई किया धुएं वाला बिस्किट कभी नहीं, तो फिर वो धुएं वाला पान खाया ना भाई, धो जल गया था, ये वो चीज है, तुम भी ना वही के वही रहोगे, ये धुएं वाला बिस्किट है, इसमें आइसक्रीम डालते हैं धुआं निकलता है, अच्छा एक स्पेशल डी है, मजा आएगा खाने का, चलो जा धुएं वाला बिस्किट खा के देखते हैं और आपको बताते हैं कैसे। और अभी हम जग्गी सिटी सेंटर पहुंचे और ये अनमोल जी हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर हमें मिले, कैसे पहचान लिया आपने? बस मेरी गाड़ी देख ली। क्या बात, चलो और सब बढ़िया, कहाँ से आप? पहुंच गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे, आओ जी जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाइए, वही हम शॉप पे पहुंचे आइसक्रीम खाने, पहले खा रहे हैं बिस्किट, लो जी खाओ, आ करो खाओ, चलो जी आप भी खाओ, अरे मजा आया है ना, बस नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, सोच क्या रहे हो, खाओ जी मजा आया आवाज बंद हो गई इनकी, ले भेर वाला आइसक्रीम, वाह भाई मस्त आइसक्रीम आ गई आपकी, खाओ स्वाद आ गया आइसक्रीम खा के, बहुत ज्यादा आया मजा ना, पाजी के पास आइसक्रीम खा के निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये इतना मान सम्मान देते हैं ना, जब भी आ जाओ आइसक्रीम खिलाई, इतना बढ़िया रोल खिलाया, बिस्किट खिलाए, और उसके बाद जब पैसे की बारी आती है लेते ही नहीं है, जितना मर्जी इनसे जोर लगा लो, पर वो कहते ना आइसक्रीम भी इतनी स्वाद, और ऊपर से मान सम्मान जो ये देते है ना, जिंदगी में नहीं भूला जाता। तो जब भी हम अम्बाला आते हैं तकरीबन मोस्टली जितनी बार टाइम मिलता है इनके पास आइसक्रीम जरूर खा के जाते हैं। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे एंड हुई, रात को 2:45 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुँच गए हैं, और अमित भाई को भी उतार दिया, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी थी, ये सामान निकाल रहे हैं भाई साहब, एक बार सामान निकाल लें और फिर अपन निकल रहे हैं वापस घर की तरफ, और बहुत अच्छा टूर रहा, छोटा टूर रहा पर अच्छा रहा, और 6 तारीख को हमने श्रीनगर के लिए निकलना है, वो भी फाइनल ही है, तो बस अब घर चलते हैं और थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, चल के सोते हैं, आराम से मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, टिल देन आप ये वीडियो देखो एंजॉय करो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर और शब खैर, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।